नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में वाई के शर्मा जी हैं, जो कि ओम ब्राह्मण महासभा के संस्थापक हैं। इनसे बात कर लेते हैं प्रतिभा सम्मान समारोह की क्या तैयारी है कार्यक्रम के लिए। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को दिल्ली वासियों को शुभ श्रावण मास की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा धार्मिक मास चल रहा है, सब हमारे ज्यादातर श्रावण मास को सभी देशवासी मानते हैं हमारे। और हमने इसको आजकल 30 तारीख के लिए हमने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने के प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के कारण कि आज और कल जो है बहुत ज्यादा बारिश होगी, इस वजह जो है हमने अपना प्रोग्राम जो है चेंज कर दिया है। और अब हमारा प्रोग्राम जो है 6 अगस्त को उसी स्थान पर विक्टर पब्लिक स्कूल मोजपुर चौक मेट्रो के नीचे होगा। तो 6 मतलब 30 तारीख और 31 तारीख को जो होना था हमारा, बारिश की वजह से आपने कर दिया है। हमारी पूरी तैयारी थी, हमारा जो भी काम करना था हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। हमारे पास करीब अब तक जो है 125 बच्चों के हमारे पास नाम आ चुके हैं 10वीं 12वीं के लिए। तो हमारे लिए इतना टारगेट तो बहुत है, क्योंकि उसमें काफी समय लग जाता है। और हम 6 तारीख को इसको अब हमारे कहाँ से अब हम उम्मीद है कि 25 तारीख जो 25 बच्चे हमारे पास अभी और आ जाएंगे। तो 6 अगस्त तक जो है हमारा जो है कार्यक्रम जो है 150 बच्चों को सम्मानित करने का होगा। उसमें कुछ जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे, जो जो नवनियुक्त जो है पोस्टिंग हुई है जिनकी, तो उनको भी हमारा कार्यक्रम है। हमारा कार्यक्रम सुबह जो है 8 बजे से आरंभ हो जाएगा। 8:30 बजे हम जो है सभी को जो है नाश्ता करा देंगे और 2 बजे हमारा जो है भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। शर्मा जी, अगर हम बात करें बच्चों की, तो लगभग हमारा टारगेट 100 का था और 100 से 150 बच्चे बड़े हैं। हमारा टारगेट हर बार बढ़ता ही जाता है। वैसे भी हमारा कोई नया कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा जो है 5वां प्रतिभा सम्मान समारोह है। 2 हमने कार्यक्रम अशोक नगर में करे थे और 2 इससे पहले हम कर चुके हैं विक्टर पब्लिक स्कूल में। विक्टर पब्लिक स्कूल में हमारा 3रा कार्यक्रम है। विक्टर पब्लिक स्कूल के जो हमारे गुरु जी हैं पांचाल जी, वो हमें बहुत सहयोग करते हैं, हर तरह का पूरी हमें तैयारी करके देते हैं। और वो कहते हैं कि हमेशा आपके लिए तो जो है कार्यक्रम के लिए कोई मनाही नहीं है। तो मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ कि जो है हमारे समाज के लिए वो इतने समर्पित हैं। शर्मा जी, अगर हम बात करें 150 बच्चों की, तो लगभग कितने स्कूल ऐसे हैं जो इस इन बच्चों को निकल के आए हैं? हमारे पास में हमने कम से कम 20 स्कूलों से नाम मंगाए हैं और हम व्हाट्सएप सोशल मीडिया से भी हमारे पास भी क्या प्राइवेट है या सरकारी? हाँ, कुछ प्राइवेट है कुछ सरकारी है। ज्यादातर हमने सरकारी स्कूलों को ज्यादा महत्व दिया है कि जो हमारे आसपास के सरकारी स्कूल है उनमें हमने सबसे लेटर भेज के और वहाँ से जो है नाम मंगाए हैं। और सभी हमें पूरा सहयोग भी कर रहे हैं नाम देने के लिए, कह रहे तो बहुत अच्छा कार्य है कि बड़ों को सबको सम्मानित तो करते, लेकिन छात्रों को सम्मानित करने के पहला कार्यक्रम है। शर्मा जी, वही बात करें अखिल भारत और क्षेत्र ब्राह्मण महासभा की, तो 7वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारा कार्यक्रम नहीं हो रहा, हमारा तो ये जो है ये इस बार 9वां ओम ब्राह्मण समाज के द्वारा जो है 9वां परिचय सम्मेलन होगा। और ये हर बार हम प्रेस असेंबली जो है दिसंबर में करते थे, और हर पिछली बार भी जो है हमारे पास में जो है करीब 300 बच्चों के माता पिता ऐसे आ गए थे जो अपना बायोडेटा मंच पर बुलवाने के इच्छुक थे। लेकिन हमने बहुत कोशिश करी, 3 बजे तक भी जो हमारा हम जो है 250 बच्चों के बायोडेटा पढ़ पाए। 3 से 4 बजे तक हमने जो है पूरी स्पीड से काम किया, जो जिसे सोचा कि जो भी बायोडेटा बचे हैं ये हमारे पूरे हो जाएं, लेकिन फिर भी पूरे नहीं हुए और 32 बायोडेटा हमारे फिर भी रह गए थे 4:30 बजे तक भी। तो अब के हमने जब भी हमने घोषणा कर दी थी पिछले बार ही कि अब हम 2-3 बार तो दिसंबर में ही कर रहे थे, तो हमने ये सोचा कि अब जो हम इस बार जो है थोड़ा बड़ा दिन होता है, 26 नवम्बर को हमारा ये कार्यक्रम करने का विचार है और 26 नवम्बर को ही हम ये जो है 9वां ब्राह्मण परिचय सम्मेलन करेंगे। कार्यक्रम सम्मेलन तो एक बार ही होता है, लेकिन हमारा जो है कार्यक्रम ये जो है हर माह हर दिन चलता रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता हो जिस दिन यहाँ पर ब्राह्मण के परिचय संबंध से कोई बायोडेटा देखने ना आता हो या कोई लेकर ना आता हो। आज भी जो है 3 ब्राह्मण से फोन पर बात हुई, फोन आया था कि हम अपने बच्चों का जो है बायोडेटा लेकर आ रहे हैं। तो हमारा तो कार्यक्रम पूरे साल ही चलता है, मैं 6 शाम को 6 बजे से 8 बजे तक जो है यही उपलब्ध रहता हूँ ब्राह्मण भाइयों की सेवा के लिए। कोई भी आए, हमारे पास अभी 50 बायोडेटा रखे हैं, इनको देख जाए और अपना बायोडाटा जमा कर जाए, ये हमारा कार्यक्रम जो है डेली चलता रहता है। शर्मा जी, अगर हम बात करें हमारे कार्यक्रम के देखा देखी और संस्थाओं ने भी ये परिचय सम्मेलन का रूप ले लिया है, वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं? हाँ, वे भी कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि सभी कार्यक्रम जो ब्राह्मण परिचय सम्मेलन करते हैं ब्राह्मण भाई उनके संगठन करते हैं,
उसमें जो है सम्मानित ज्यादा करते हैं, मतलब आधे दो घंटे बाद सम्मेलन हो गए, सम्मान समारोह। हाँ, मैंने जितने भी देखे या जो हमारे भाई ब्राह्मण भाई आकर के बताते हैं कि उनके मतलब सम्मानित करने का कार्यक्रम ज्यादा चलता है और बायोडेटा कम पढ़े जाते हैं, बोले नहीं जाते या आते ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे 9 साल में हमने आज तक किसी को भी परिचय सम्मेलन वाले दिन जो है मंच पर ले जाकर के सम्मानित नहीं किया है। नाम किसी का नाम बोलते हैं कि ज्योति नगर से राम प्रसाद जी आए हैं, वहां से आए हैं, हम तो कहते हैं जो आओ भाई सबका स्वागत है, गेट पर हम सबको माला पहना के पटका पहना करके जो है स्वागत कर देते हैं, आओ बैठो और अपना कार्यक्रम का आनंद लो। निकट भविष्य में 29 अक्टूबर को भी कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या ओम ब्राह्मण महासभा उसका समर्थन करती है? हाँ, समर्थन हम सबका ही करते हैं, हमें किसी की आलोचना थोड़ी करनी है, हमें विरोध थोड़ी करना, सब करो लेकिन किसी काम करो को नाम के लिए मत करो, क्योंकि उस काम को रचनात्मक कार्य होना चाहिए। हम विरोध किसी का नहीं करते, हम तो जो भी हमारे हम पूरा सहयोग करेंगे सभी का। शर्मा जी, 6 तारीख के लिए क्या अपील करेंगे? 6 तारीख पर जो भी ब्राह्मण भाई मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे खुद भी आए इस प्रोग्राम को आकर के देखे कि किस तरह से जो है प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, कि ये कोई भी संस्था नहीं करती, ये केवल हम पूरे मुझे तो लगता है पूरी लोकसभा में जो है पूरी लोकसभा ने, पर पूरी दिल्ली की बात बता रहा हूँ कि मैं कोई भी जो है ब्राह्मण और प्रोग्राम करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन करा, परिचय सम्मेलन करा, लेकिन प्रतिभा सम्मान समारोह केवल हमारी संस्था ब्राह्मण समाज ही करती है और जब तक हमारा प्रयास हम करते ही रहेंगे।